हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है सूर्यकांत टेक्निकल गुरु हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हमारे पास TVS की अपाचे RTR 160 गाड़ी आई है। तो इस गाड़ी में प्रॉब्लम यह है कि देखो, यहाँ पे इग्निशन स्विच ऑन करने के बाद ये जो है यहाँ पे कुछ भी ब्लिंक नहीं कर रहा है, ना हॉर्न बज रहा है, ना इंडिकेटर लग रहा है गाड़ी के, ना सेल्फ चालू हो रहा है। तो इस कंडीशन में एक तो बैटरी डाउन हो जाती है, पूरी डिस्चार्ज हो जाती है, उस वक्त इस तरह से प्रॉब्लम आती है। पर कस्टमर बोल रहे हैं कि इसमें गाड़ी में सेल्फ उठा रही थी गाड़ी, यानी कि गाड़ी इसका सेल्फ ओके था, सडनली इसका सेल्फ और इंडिकेटर या हॉर्न बजना बंद कर दे। तो आप इस साइड में आ जाए गाड़ी के, देखो राइट साइड में यहाँ पे पैनल होता है लगा हुआ, इसको घींच के निकालना पड़ता है। ओके फ्रेंड्स, चाबी से इसको ओपन करने के बाद इसको घींच के निकालना पड़ता है। और आपके पास मल्टीमीटर होगा तो ठीक है, नहीं तो फिर आप इस तरीके का देखो, आपको एक डब्बी दिख रही होगी जो कि फ्यूज की डब्बी होती है गाड़ी में। तो इस तरह से समस्या आने के बाद आप ये इसको ओपन करके इस तरह से इसका जो प्रॉब्लम है सॉल्व कर सकते हो। तो आपको इस तरह से ये फ्यूज़ दिखता है, देखो यहाँ फ्यूज़ देखो ब्लो हो चुका है, यानी यहाँ ये फ्यूज हो चुका है, ठीक है, जो जल जाता है। ओवरलोड होने के कारण ये गाड़ी में इस तरह से प्रॉब्लम आती है, कोई भी गाड़ी रहे तो फ्यूज ब्लो हो जाता है सर्किट में इशू रहने के कारण या ओवरलोड आ जाने के कारण इस तरह से प्रॉब्लम आती है। तो यहाँ इस डिब्बी में दूसरा भी एक फ्यूज होता है फ्रेंड, देखो इस तरह से। अगर आपके पास फ्यूज़ नहीं है ओके फ्रेंड्स, तो आप इसे इस तरह से डायरेक्ट करके भी गाड़ी स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है फ्रेंड। देखो इसको हम डायरेक्ट करेंगे तो ये गाड़ी का जो मीटर का और हॉर्न बजने का प्रॉब्लम है या सेल्फ स्टार्ट वाला प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा फ्रेंड। ओके फ्रेंड, या आप ये जो चला के आप गाड़ी दुकान में या गैरेज में ले जा सकते हो फ्रेंड, जहाँ ये फ्यूज़ अवेलेबल हो जाए फ्रेंड। ओके फ्रेंड, तो देखो आप यहाँ पे दिखाएंगे हम आपको, यहाँ पे रीडिंग आ चुकी है फ्रेंड, देखो देखो फ्रेंड। तो इस तरह की समस्या आपके साथ होती है फ्रेंड, तो आप इस तरह से जो प्रॉब्लम है सॉल्व कर सकते हो। कोई भी गाड़ी रहे फ्रेंड, उसमें फ्रेंड उसमें ये फ्यूज़ होता है फ्रेंड। अगर अवेलेबल नहीं है फ्यूज़ तो उसमें इसको डायरेक्ट कर दे, और फंसाने वाला होगा तो उसमें भी आप एक सिंगल वायर का टुकड़ा लेके इस साइड में छिलके, दोनों साइड में उसको छिलके डाल सकते हो, डायरेक्ट कर सकते हो उसको फ्रेंड। तो फ्रेंड आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखे। तो फ्रेंड्स, ये वाला वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखे, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। हम इसी तरह से ऑटोमोबाइल और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो अपलोड करते रहते हैं हमारे पे चैनल पे। तो ये था फ्यूज़ वाला प्रॉब्लम जो कि हर गाड़ी में अवेलेबल होता है, और इस तरह से समस्या आने के बाद आप ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो फ्रेंड्स।